हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यहाँ पर हम यू माइकोटा के डिफरेंट सब डिविजन्स को भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन के लिए हमने जी सी आयसवर्थ का क्लासिफिकेशन चूज किया है, क्योंकि ये मोर नेचुरल क्लासिफिकेशन है और इन्होंने सभी टाइप के फंजाई को एक किंगडम में यानी माइकोटा में इंक्लूड किया है। तो माइकोटा किंगडम को हम दो डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सो माइकोटा एंड यू माइकोटा। मिक्सो माइकोटा, जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स के भी नाम से जानते हैं, ये ट्रू फंजाई नहीं है क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है। तो मोस्टली इनकी प्लांट बॉडी नेकेड प्रोटोप्लास्ट ही है, जबकि डिविजन यू माइकोटा, जिसको हम लोग ट्रू फंजाई कहते हैं और हमारा मेन फोकस भी यू माइकोटा ही है, और यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि मोस्टली काइटिन की बनी होती है। यू माइकोटा को 5 सब डिविजन में डिवाइड किया गया है, मैस्टिगो माइकोटीना, जाइगो माइकोटीना, एस्को माइकोटीना, बेसीडियो माइकोटीना एंड न्यूट्रो माइकोटीना। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सब डिविजन मैस्टिगो माइकोटीना, जिसे कॉमनली जूस्पोरिक फंजाई भी कहा जाता है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का फंजाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पर यूनिसेलुलर से लेके माइसीलियल फॉर्म प्रेजेंट है, और माइसीलियल फॉर्म अगर प्रेजेंट है तो यहाँ सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि ये एसेप्टेट कंडीशंस में है, और सीनोसिटिक यानी न्यूक्लियस ढेर सारे बिखरे पड़े हुए हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो मोस्टली होलोकार्पिक इन नेचर है, जबकि कुछ यूनिसेलुलर फंजाई ने राइजॉइड्स जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर रखे हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, और अब ये यूकार्पिक हो गए हैं, यानी इनका जो वेसल वाला पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जबकि राइजॉइडल पार्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी फूड को एब्जॉर्ब करने में। सभी जूस्पोरिक फंजाई जूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये यूनिफ्लैजिलेट हो सकते हैं और बाईफ्लैजिलेट भी रिपोर्टेड है। फ्लैजिला एंटीरियर या पोस्टीरियर दोनों ही प्रेजेंट होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन और सोमेटोगैमी कॉमन है। प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन में आइसो, एनआइसो एंड ऊगैमी तीनों ही तरह के रिपोर्टेड है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं वो पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स दोनों ही हो सकते हैं। अगर पैरासिटिक हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट हो सकते हैं होस्ट के, या फिर इंट्रासेलुलर यानी विद इन सेल, सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ मेंबर्स को आप जानते ही हैं, जैसे सिनकाइट्रियम, फाइजोडर्मा, पाइथियम और एल्ब्यूगो इसके कॉमन मेंबर हैं। एल्ब्यूगो, पाइथियम, सिनकाइट्रियम ये सभी डिजीज कॉजिंग है, आपको पता है ये सभी पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट सब डिविजन है जाइगोमाइकोटीना। जाइगोमाइकोटीना इसका नाम डिराइव हो रहा है जाइगोस्पोर से। जाइगो का मींस होता है जॉइनिंग और पेयरिंग। इसे हम कॉमनली पिन मोल्ड फंजाई भी कहते हैं या फिर कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो गैमिटेंजिया के फ्यूजन से या उनके कॉन्जुगेशन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ से इसे ये नाम भी मिल रहा है। तो यहाँ जब गैमिटेंजिया ही फ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर मोटाइल सेल्स की ज़रूरत नहीं है। तो इनके एंटायर लाइफ साइकिल में मोटाइल सेल्स एब्सेंट है, यानी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोस्टली ये सेप्रोफाइट्स हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ कोप्रोफिलस भी हैं जो डंग पे ग्रो करते हैं। कुछ मेंबर्स वीक पैरासाइट्स भी हैं। प्लांट बॉडी इनकी वेल डेवलप ब्रांच्ड माइसीलियम है जो कि एसेप्टेट है और सीनोसिटिक इन कंडीशन ही है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये काइटोसन काइटिन की बनी हुई है। रिप्रोडक्शन यहाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिपोर्टेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर के माध्यम से होता है, जिन्हें हम एप्लैनोस्पोर्स भी कहते हैं। ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, यानी जब टेम्परेचर, न्यूट्रिशन सब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन में हो, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम क्लमाइडोस्पोर्स या ओडिया कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, यहाँ पर गैमिटेंजियल कॉपुलेशन प्रेजेंट है।
अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें तो आप म्यूकर और राइजोपर्स को इजीली पहचानते हैं, जिन्हें हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो जैम, जेली, लेदर इन सब पे आपको घर में दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट सब डिविजन है एस्कोमाइकोटीना, जिसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोस का मतलब ही होता है ब्लैडर, इसी वजह से ये नाम डिराइव हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है। यहाँ पर पैरासाइट्स और टेरेस्ट्रियल सेप्रोफाइट्स दोनों ही टाइप के प्रेजेंट हैं। इसमें ईस्ट, ब्लैक एंड ग्रीन मोल्ड्स, पाउडरी मिल्ड्यूज, मोरल्स सभी इंक्लूडेड हैं। हम कह सकते हैं कि लाइकेन का फंगल पार्टनर जो है, उसमें 98% फंगल पार्टनर यही एस्कोमाइकोटीना को ही बिलोंग करता है। एस्कोकार्प यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडी है, जिससे हमें ये नाम मिल रहा है। एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। यहाँ एस्कोकार्प भी 5 डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनके अंदर एसआई प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला तो हम कह सकते हैं कि नेकेड एसआई प्रेजेंट है। नेकेड एसआई यानी यहाँ कोई फ्रूटिंग बॉडी का खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और एसआई सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म के सर्फेस पे हमें दिखाई दे जाती है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स है। जबकि नेक्स्ट टाइप है पैराथीशिया, ये एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर एक ओपनिंग भी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ऑस्टियोल कहते हैं। जबकि क्लाइस्टोथीशिया स्फेरिकल और क्लोज स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है। एपोथीशिया कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ पर वाइड ओपनिंग प्रेजेंट है, जैसा आपने कप में देखा ही हुआ है। और नेक्स्ट है स्यूडोथीशिया, ये देखने में तो पेरीथीशिया जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली पेरीथीशिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसआई लूजली अरेंज्ड है, और मोस्टली ये दो लेयर्स में अरेंज्ड है। नेक्स्ट सब डिविजन बेसिडियोमाइकोटीना, ये मोस्ट एडवांस फंजाई है, और यहाँ पर क्लब शेप का बेसिडियम बनता है, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है। मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटीना आर मोस्टली पैरासिटिक एंड सम आर सेप्रोफाइट्स। अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो आपको पक्सीनिया और अस्टिलेगो का नाम तो याद ही है, जबकि सेप्रोफाइट्स में आपको पता है मशरूम, पफ बॉल्स, पोर फंजाई, टोड स्टूल, स्टिंग हॉर्न, बर्ड नेस्ट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी माइसीलियम की हम बात करें तो यहाँ पर माइसीलियम सेप्टेट है, और माइसीलियम को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्शियरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो कि मोनोकैरियोटिक है, और ये डेवलप्ड होती है बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से, जबकि सेकेंडरी माइसीलियम 2 मोनोकैरियोटिक माइसीलियम के फ्यूजन से बनती है, यानी यहाँ पर प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है लेकिन कैरियोगैमी नहीं होती है। इसी को हम लोग डिलेड कैरियोगैमी कहते हैं, और इस तरह की सेल को डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं, और इस तरह की हाइफी को डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। तो सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक इन नेचर होती हैं, जबकि टर्शियरी माइसीलियम की अगर हम बात करें तो ये मैच्योर डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही है, जो फ्रूटिंग बॉडी बनाने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर अगर हम सेप्टा की बात करें तो यहाँ सिंपल सेप्टा प्लस डोलीपोर सेप्टा, यानी दोनों ही तरह के प्रेजेंट हैं, जैसे एगेरिकस में आपने देखा है डोलीपोर सेप्टा, और अस्टिलेगो में सिंपल सेप्टा प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो तीनों ही तरह के रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रेजेंट हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लोअर टैक्सा में ही रिपोर्ट किया गया है, हायर टैक्सा में ये एंटायरली एब्सेंट भी हो सकता है। लोअर टैक्सा में कुनीडिया और ओडिया का फॉर्मेशन होता है, जिसके माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अचीव किया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई सेक्स ऑर्गन यहाँ पर विशेष नहीं बन रहा है। जैसा आपने पहले ही देखा, मोनोकैरियोटिक हाइफी आपस में फ्यूज करती हैं और डाइकैरियोटिक हाइफी बनाती हैं, यानी प्लाज्मोगैमी तो हो ही चुकी है, सिर्फ यहाँ कैरियोगैमी होना बाकी है। तो यही डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं और कैरियोगैमी का प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर इसमें मियोसिस होगा और बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के अंदर बनते हैं, तो बेसिडियम 2 तरह के हो सकते हैं, होलोबेसिडियम एंड फ्रेगमोबेसिडियम। होलोबेसिडियम जैसा नाम ही बता रहा है कि ये एसेप्टेट है, और यहाँ पर 4 स्टेरेगमाटा बनते हैं, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स रहते हैं, जबकि फ्रेगमोबेसिडियम ये सेप्टेट है और इसमें लेटरल स्टेरेगमाटा बनता है, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट सब डिविजन है ड्यूट्रोमाइकोटीना,
जिन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। कुछ लोग तो इसे डस्टबिन ग्रुप ऑफ फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डाइवर्स फंजाई प्रेजेंट है जिनमें सिर्फ ए सेक्सुअल स्टेजेस रिपोर्ट की गई है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी या तो हुई ही नहीं है या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो ऐसे फंजाई जिनमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है और इसी से उनकी लाइफ साइकिल चल रही है, इनको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और ऐसे सारे फंजाई को हम एक जगह पर रखते हैं, ड्यूट्रोमाइकोटीना में। ये फंजाई एस्कोमाइकोटीना या बेसिडियोमाइकोटीना को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एस्कोमाइकोटीना के हो सकते हैं। कुछ फंजाई की परफेक्ट स्टेजेस को भी खोज लिया गया है। जैसे आपको पता है अल्टरनेरिया सोलनी, इसकी परफेक्ट स्टेज है प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया, और कोलिटोट्राइकम फेल्केटम जिसकी परफेक्ट स्टेज है फाइजेलोस्पोरा। ड्यूट्रोमाइकोटीना एक आर्टिफिशियल ग्रुप कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर्म जीनस, फॉर्म क्लास, फॉर्म फैमिली का यूज़ किया जाता है। माइसीलियम वेल डेवलप्ड है और सेप्टेट है, सेप्टा यहाँ पर परफोरेटेड प्रेजेंट है। तो यहाँ सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है जो कि एक्सोजीनसली कोनिडिया के द्वारा हो रहा है, और ये कोनिडिया कोनिडियोफोर के अंदर बन रहे हैं। ये कोनिडियोफोर साथ मिलके एक फ्रूटिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। फ्रूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर स्पेशल टाइप का हो सकता है, जैसे सिननेमाटा, जिसमें ढेर सारे कोनिडियोफोर फ्यूज करके एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, थिक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और एसरबोलाई जो कि डिश शेप है जिसमें कोनिडियोफोर प्रेजेंट है। स्पोरोडोकिया स्मॉल कॉम्पैक्ट स्ट्रोमा है जिसमें से डायरेक्टली कोनिडियोफोर्स निकल रहे हैं, जबकि पिकनीरिया फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी है और इसके अंदर कोनिडियोफोर और कोनिडिया मौजूद है। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसमें सर्कोस्पोरा, नाइग्रोस्पोरा, बॉट्रीटिस और हेलमिंथोस्पोरियम कॉमन है। तो आज हमने यूमाइकोटा के ऑल 5 सब डिविजन्स को पढ़ा और इनके बेसिस पे हम फंजाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।